अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप मिलने वाले जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है मटन बेली राम। यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा दिल चाह रहा आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने के लिए। इस रेसिपी को जब मैंने एक्चुअली देखा था तो इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई जो बहुत ही मज़ेदार है। इनफैक्ट इसके दो कहानियाँ हैं, इसके दो वर्जन हैं कहानी के। एक तो कुछ यूँ है, पहली स्टोरी यूँ मेरे सुनने में आई है, वो कुछ यूँ है कि जो लाला बेली राम थे इनकी दुकान हुआ करती थी लाहौर में। प्री पार्टीशन से पहले यानी कि इंडिया पाकिस्तान होने अलहदा होने से पहले वहाँ पर इनकी दुकान होती थी और ये वहाँ पर ये गोश्त का सालन बनाया करते थे। कहते हैं ये इतना मज़ेदार होता था कि उनकी दुकान खुलती आधे घंटे में तमाम सालन ख़त्म हो जाता था उनका। तो वहाँ से इनका नाम जो है, इनकी रेसिपी का नाम पड़ गया था क्योंकि नाम के साथ ही डाल दिया गया था कि बेली राम गोश्त मटन बेली राम इस तरीके से। तो ये इसकी एक कहानी है। दूसरी कहानी जो मेरे सुनने में आई थी वो कुछ यूँ थी कि 19वीं सदी जो है उसके अंदर इंडिया में हुआ करते थे महाराजा रंजीत सिंह पटियाला में। ये उनके पास शेफ थे और इनका काम सिर्फ गोश्त पकाना ही था। तो ये उनकी एक इतनी स्पेशलिटी थी कि इसके गोश्त की किसी के से मुलायम और नरम बनता था, प्याज का अलग मीठा जायका, थोड़ा सा स्पाइसी। तो इनका तरीका अलग होने की वजह से ये जो डिश थी उनको बहुत पसंद थी महाराजा रंजीत सिंह को। तो उन्होंने जो है उन्हें हेड शेफ बनाते हुए साथ साथ इस रेसिपी का नाम ही उन्होंने रख दिया था कि उनके गोश्त के नाम के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया था, बेली राम गोश्त रख दिया था। तो ये दो कहानियाँ मेरे सुनने में आई थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनफैक्ट जितनी भी हम रेसिपीज बनाते हैं वो कहीं ना कहीं से आई हैं, एक दूसरे के साथ में हम जो शेयर करते हैं फिर वो डिफरेंट कंट्रीज सिटीज़ में जाके हमारे मसाले कुछ डिफरेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो एक नई रेसिपी बन जाती है। लेकिन बेसिक वो रेसिपी वही होती है जहाँ से वो स्टार्ट होती है, आगे हम उसको खुद शेयर करते हैं और अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते चले जाते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार कहानी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस विद यू। और अगर आप में से किसी को इसका कोई भी आइडिया है कि कौन सी वाली स्टोरी सही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा रेसिपी के नीचे, ज़रा थोड़ा मज़ा आएगा। देखेंगे कि आप में से किसको आपने भी ये सुना है कि नहीं, क्योंकि मुझे जब सुना आई रियली लाइक्ड इट। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। इसमें ज़्यादातर प्याज और धनिया का बहुत इस्तेमाल है, तो इसमें तीन फॉर्म में धनिया जाता है, पाउडर में जाता है, कुटा हुआ जाता है और फ्रेश भी जाता है। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। पहला काम इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास मटन है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें जाएंगी तेज़पात 3 से 4 डाल दें, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी 3 अदद चॉप्ड, प्याज इसमें जाएंगी 3 बड़े साइज़ के, स्लाइस कर लीजिएगा, ज़रा थोड़ा फाइनली स्लाइस कीजिएगा, मसाला आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालते हो अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 किलो मटन में 1.5 टेबल स्पून जो है भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। दही इसमें जाएगी 2 कप, दही चली गई। खड़े मसालों में इसमें जाएगा दालचीनी के 3 टुकड़े, 2 अदद मोटी इलायची जाएगी, 10 अदद सब्ज इलायचियाँ जाएंगी, 8 लौंग हैं, काली मिर्चें 10-15 हैं, नमक 1.5 टीस्पून है, हल्दी 1 टीस्पून, देगी मिर्च इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, बिल्कुल भर कर डाल दीजिएगा, बड़ा खूबसूरत सा इसका डार्क रेड सा कलर आता है। फिर पिसी हुई लाल मिर्चें तीखी वाली जो होती हैं 1.5 टीस्पून है, आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। ये धनिया का पाउडर चला गया, पहला स्टेप है, ठीक है। ये आप इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये इसको उसमें चीज़ें डालकर यहाँ पर आपने अच्छी तरह तमाम मसालों को मिक्स करना है और इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और अगर आप इसको रात भर छोड़ते हैं वो तो फिर और भी अच्छा है। अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई दावत है या कुछ नई चीज़ ट्राई करनी तो अगले दिन जो है आप इसको बनाएं तो आप देखिएगा कि कितना और भी टेंडर गोश्त बनता है। मैं यहाँ इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी और उसको आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब जो है आप इसको तेल में बनाएं, घी में, डालडा के घी में आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ और ये रेसिपी ट्रेडिशनली जो है वो देसी घी में ही बनती थी, तो ये जिस तरह आपके पास जो अवेलेबल है वो उसमें डालकर इसको बना सकते हैं। तो घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया, मेल्ट हो गया। इसमें जाएगा सबसे पहले ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून भरकर है, हींग जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें चॉप 2 डाली मैंने,
अदरक बारीक आपने जूलियन काट ले ली है एक इंच का टुकड़ा, और इसमें दोबारा दो प्याज जाएगी बड़े साइज की फाइनली स्लाइस। यहाँ पर आपने जो है इसे प्याज को अच्छे से फ्राई होने देना है, अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आएगा, अच्छे से ब्राउन होगा, ठीक है। कोई कच्चा कच्चा कलर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम होती है प्याज को फ्राई करते से, कुछ लोग कहते हैं कि प्याज जल्दी फ्राई नहीं हो रही, तो क्या करें, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें प्याज काफ़ी ज़्यादा लगती है सालन में, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक इस पर डाल देंगे तो वो हेल्प करता है प्याज का जो है मॉइस्चर जल्दी से ड्राई होने में। तो इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने नमक डाल देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर आपको जल्दी करना है तो आप क्या करते हैं। मैंने यूजली तो आपको बताई मैं प्याज ग्राइंड कर बनाती हूँ, वो परफेक्ट आपका सालन इसमें तैयार होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी आपके सामने, क्योंकि बाकी का नमक तो हम ऑलरेडी गोश्त में डाल चुके हैं। थोड़ी सी नमक डाली मैंने, इसे फ्राई होने दें और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह आपने इसको गोल्डन करना है, और घी जो है कम ज्यादा खुद कर लें। मैंने इसमें जो है 3/4 कप जितना घी डाला है। अब इसमें आप डालेंगे जो मैरिनेटेड हमारा गोश्त है, तमाम डाल दीजिएगा बीच में। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हाई फ्लेम पर आपने इसको रख कर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह इस मसाले के अंदर में गोश्त को भूनने देना है, ठीक है। इसकी कुकिंग बहुत आराम से की जाती है और तभी आपको इसका जायका आता है, लेकिन अगर आपको कोई जल्दी है, टाइम नहीं है, दैट इज़ फाइन, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको सिर्फ सादी हांडी में बना रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कुक करने देते हैं इस मसाले में। अब देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, ठीक है। ये प्याज को ज़्यादा अच्छा गोल्डन करने की वजह से आता है, और दूसरी बात है जो हमने इसमें देगी मिर्च डाली होती है उससे भी बड़ा खूबसूरत लाल कलर आता है इसका। तो इसको यहाँ पे 12 मिनट देते हैं हाई फ्लेम पर, और फिर नेक्स्ट स्टेप देखने इतनी तरह इसको अपने भूनना कि आप देखेंगे दोबारा घी या तेल में आप उसको बना रहे हो उस सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपने इसमें ऐड करना है कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और इसको भी अब यहाँ पर गोश्त के साथ मिक्स करेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट और इसको भून लेते हैं, और फिर उसको आपको दिखाते हैं इसमें क्या आ जाएगा। 3 मिनट मैंने इसको और हाई फ्लेम पर भून लिया, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे पानी, तो क्योंकि मटन है ऑब्वियसली इसको टाइम लगता है गलने में, तो आप इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल सकते हो ताकि मटन अच्छे से आपका गल जाना चाहिए। कि जब उसको आप हाथ लगाएं तो यूँ बिल्कुल सॉफ्ट बोटी होनी चाहिए, यही इस रेसिपी की खासियत है। तो ये पानी चला गया बीच में, पानी वही था, आप सोचेंगे कि इसका कलर क्यों चेंज है, इसमें मैरिनेशन थी, कोई चीज़ आया ना करते हुए मैंने उसमें पानी डाल दिया था, ठीक है। तो ये पानी चला गया, इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के इतना कुक करेंगे कि तमाम पानी बीच में जो हमने डाला गोश्त ने छोड़ा और दही ने, वो तमाम खुश्क हो जाएगा, और तेल घी जिसमें आप इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो इसे कुक होने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली माशाल्लाह तैयार हो गया, और ये बिल्कुल ड्राई नहीं बनता, इसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये देखिए ये मैंने फिलहाल हाई पे कर दी है, इसको थोड़ा सा अगर मैं भून रही हूँ हाई फ्लेम पर। इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत रेड कलर आया है, और जितना भी प्याज जिसमें हमने बीच में डाला था अगर आप देख लें, ये देखें कहीं भी आपको प्याज नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरीके से इसको जो पकाया जाता है, तो भले कि हमने इसमें प्याज जो है कटी हुई डाली थी, वो तो बिल्कुल जो है मसाला उसका तैयार हो जाता है। पेशेंस रखिएगा, इसका जायका बहुत शानदार है। सिंपल सी चीज़ें, कोई इसमें इतना ख़ास आप देखेंगे मसाले नहीं, घर के ही हैं, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आप इसमें डालेंगे चंद हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे आप इसमें तकरीबन 1/2 कप जितना डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं हाई फ्लेम पर, इसको मिक्स करें 1 से 2 मिनट के लिए, और इसे करते हैं डिशर। इसी के साथ इसको बनाते हैं सर्व करते हुए, थोड़े से ऊपर जूलियन में काट के अदरक डाल दें, साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ, नान, चावलों की शौकीन है चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कम्प्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउन कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तब कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो।